मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, लेकिन तेरी महफिल में शायद अब हम न होंगे। ये ट्वीट है बीजेपी के बागी माने जाने वाले शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा का, जो अक्सर बीजेपी से नाराज देखे जाते हैं और पार्टी में रहने के बावजूद भी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट नजर नहीं आते। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा हुआ है जिससे अब ना तो बीजेपी उनसे संतुष्ट होगी और ना ही उनको पसंद करने वाली जनता, क्योंकि इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट शॉटगन के लिए कुछ अच्छे संकेत लेकर नहीं आई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2014 में दोबारा निर्वाचित होकर आए 153 सांसदों की संपत्ति में औसतन 142% का इजाफा हुआ है, जिसमें बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा टॉप पर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 में शत्रुघ्न सिन्हा की संपत्ति करीब 15 करोड़ की थी, जो साल 2014 में बढ़कर सीधा 131 करोड़ हो गई, यानी कि 5 साल में शॉटगन की संपत्ति में 116 करोड़ का इजाफा हुआ, जो कि किसी के भी गले नहीं उतर रहा। 5 साल में सर्वोत्तम 778% की शत्रुघ्न सिन्हा की प्रॉपर्टी में वृद्धि ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 5 साल में सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा ही नहीं बल्कि पूरे 153 सांसदों की संपत्ति में से प्रति सांसद की औसत संपत्ति 13,32,00,000 रुपए बढ़ गई है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर BJD के सांसद पिनाकी मिश्रा हैं, जिनकी 2009 में संपत्ति 107 करोड़ थी, जो 2014 में बढ़कर 137 करोड़ हो गई। इसी सूची में जो तीसरा नाम है वो है सुप्रिया सुले का, जिनकी संपत्ति 2009 में तो 51 करोड़ थी, लेकिन 2014 में बढ़कर सीधे 113 करोड़ हो गई। संपत्ति बढ़ने के मामले में केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल छठे स्थान पर हैं। यूपी की सुल्तानपुर सीट से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का नाम भी इस सूची में शामिल है। वरुण गांधी इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। साल 2009 में वरुण की संपत्ति की कीमत 4 करोड़ थी, जो कि साल 2014 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई। 153 सांसदों की सूची में 72 सांसदों के साथ बीजेपी सबसे आगे है, जिनकी संपत्ति में कुल मिलाकर 7,54,00,000 का इजाफा हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के 28 सांसदों की संपत्ति में औसतन 6,35,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा की पटना साहिब सीट से इस बार बीजेपी रविशंकर प्रसाद को टिकट देने के मूड में है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा भी RJD के टिकट पर रविशंकर प्रसाद के खिलाफ इसी सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अभी हाल ही में शॉटगन ने अपने अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा था, सर राष्ट्र आपका सम्मान करता है, पर नेतृत्व में विश्वसनीयता और विश्वास की कमी है। नेतृत्व जो कह रही है और कर रही है, क्या लोग उस पर विश्वास कर रहे हैं? शायद नहीं। जनता से किए वादे अभी भी पूरे होने बाकी हैं, जो अब पूरे हो भी नहीं पाएंगे। आशा, इच्छा और प्रार्थना, हालांकि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। अपने शायराना अंदाज में अपनी बात कहने वाले शॉटगन इन दिनों पार्टी को निशाने पर लिए हुए थे, लेकिन लगता है ADR की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब पार्टी को शॉटगन को निशाने पर लेकर उन पर कार्रवाई का हंटर चलाना होगा, जिससे साफ हो सके कि आखिर 5 साल में कैसे वो ADR की सूची में टॉप पर पहुंच गए।